सरकारी कर्मचारियों का ये बलिदान याद रखा जाएगा, योगदान याद रखा जाएगा। जब देश में 48, 47, 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इतिहास में पहली बार इतनी गर्मी पड़ी और इतनी गर्मी में इतिहास का इतना बड़ा चुनाव हुआ, तो सरकारी कर्मचारियों ने पूरी तन्मयता के साथ संसाधनों के अभाव कष्ट के बावजूद अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाया। अब मैं एक बस में मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, ये भी देखिए, आइए आइए, ये देखिए, ये इसमें आप बस में देखिए किस तरह की गर्मी है। अगर एयर कंडीशन्ड गाड़ी ना हो तो आदमी सोचता है कि कैसे चला जाए, और ये टीन वाली बस में जितना टेम्परेचर है उसका दूना पैदा हो जा रहा है। और लोग हाथ के पंखे झलते हुए ये सरकारी कर्मचारी पोलिंग के लिए तैयार हैं, और इसमें महिला भी दिखाई दे रही है। तो मैं जरा इन्हीं लोगों से बात करता हूँ, ईवीएम मशीन लेकर के बैठे, इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप लोग, जा क्यों नहीं रहे? अभी सारी पार्टी नहीं आई है। एक बस में कितनी पार्टियां जाती है? एक बस में 6 पार्टी है, इसमें 6 पार्टी है, 6 है, 5 बस के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप लोग पेशे से क्या है? टीचर है। अभी जी चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अध्यापक है आप भी? नहीं, मैं तो होम गार्ड हूँ। मैं तो आप भी? जी। टीचर, ये सारे के सारे लोग पसीने से तर बतर बिल्कुल। चलिए, मैं तो जरा सा सोचा आज सरकारी कर्मचारियों का माहौल क्या है दिखाया जाए। पहचानेंगे बाहर से ही माहौल क्या है, बाहर से ही पहचानेंगे कि माहौल क्या है। आ गए हैं, देखते हैं ना, देखते हैं आपको। चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए कम से कम चेहरे पे मुस्कान भी लाना बहुत जरूरी है लोगों के। देख के मुस्कान आ गई आपको? देख के मुस्कान आ गई? चलिए, आपको देख के कम से कम मुस्कान आ गई, बहुत लोगों को देख के मूड ही खराब हो जाता है। अच्छा लगता है कार्यक्रम आपका? हाँ, देखिए ये भी जा रही है, महिला है। आप भी टीचर हैं? मैडम, इतनी गर्मी में ये सोचे था चुनाव का ड्यूटी लगेगी? अब क्या करें, अब कर्मचारी हैं तो मजबूरी है हमारी, करना है। कब से बैठी हैं ऐसे? अरे कब से, 10 बजे से बैठे हूँ। तो बस में क्यों बैठी है? बाहर उधर टेंट में क्यों नहीं बैठी? बस में सब लोग आ गए, पार्टी तो सबके साथ आ गई बैठने के लिए। अब अकेले वहाँ कहाँ बैठे, हमारे साथ के लोग हैं तो उन्हीं के साथ बैठे। ईवीएम आपकी जिम्मेवारी है? हाँ हाँ, पार्टी को। इसको भी अपने गहने से ज्यादा संभाल के रखना। अच्छा, ये ऐसा बवाल है कि एक बार आपको मिल गया तो आप इसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ रख के वहाँ चले जाए, गायब हो गई तो नौकरी गई, ये हाल है। और लेकिन इसी के बीच में ये चुनाव हो रहा है। कहो, कई तो होम्योपैथिक की दवाई ली जी, तबीयत तो ठीक नहीं है इसलिए, तबीयत खराब है इसलिए। दिखा दीजिए यार, ये इतना रंग का, नारंगी, लाल, सफेद, हरा, सब रंग का। तबीयत खराब है। क्या है, क्या बीमारी? गर्मी जी, हाथ में सूजन हो गया है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए दवा खा रहे होम्योपैथिक का। देखिए, बीमार लोग दवा खा खा करके भी जा रहे हैं, यही तो नौकरी है जी। सर बताएं, आप भी कुछ फरमाइए। फरमाना क्या है, आप देख ही रहे हैं हाल पूरे बस का, और जो हाल बस में है वही हाल टेंट में है। मारे गर्मी से आप भी जैसे तर बतर है वैसे हम भी हैं। पूरी क्या करा जाए, आप भी नौकरी कर रहे हैं, हमको भी करना ही पड़ता है रोज का रोज। बस हम भी आज लग रहा है कि जैसे एक महायज्ञ पूरा हुआ, और इतने दिनों से ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि स्वास्थ्य ठीक रहा इतनी गर्मी के बावजूद, और आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि इस पूरे माहौल क्या है लोकसभा चुनाव के दौरान आपने भरपूर समर्थन, प्यार और सहयोग किया। कुछ और रंग दिखाता हूँ, ये देखिए, सैकड़ों की संख्या में बसें यहाँ पर हैं, हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं, 90 करोड़ वोटर के लिए
इतने इंतजाम करना का मामूली बात नहीं है, और फिर वोटिंग पर सवाल उठाना और ईवीएम पर सवाल उठाना जारी ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा काम मामूली बात नहीं है, और ये सरकारी कर्मचारियों के योगदान के बगैर संभव ही नहीं है। आपको मैंने आज सोचा कि ये दिखाया जाए, आप मेरी स्थिति देख ही रहे, कमोबेश सबकी यही स्थिति है। राजीव सर नमस्कार। सर नमस्कार, टीवी पे आपको देखते रहते हैं सर, आज तो सौभाग्यशाली आपसे मुलाकात भी हो गई। हम सर क्या आपसे हम लोग को मुलाकात हो गई, छोड़िए हमारी बात, हम तो आज सरकारी कर्मचारियों का योगदान उनका बलिदान चुनाव कराने हम लोग जा रहे हैं। राजीव रंजन है सर ना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, आपको सब बहुत अच्छा लगता है, कोई एपिसोड हम छोड़ते नहीं सर, आपका माहौल क्या कार्यक्रम बहुत बढ़िया करते हैं। सही को सही गलत को गलत कहते हैं आप, इसलिए हम लोग बहुत आपके डिबेट से रुचि रखते हैं।